हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बड़ी स्पेशल सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बनाने में बहुत इजी है। तो देखिए, 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बेसन जो है वो ले लिया है, और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं कोई 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, यानी आधे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा ले लें, वो मैंने सूजी जो है इसमें डाल दी है। ठीक है, सूजी जो है बिल्कुल ही ऑप्शनल है, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो सूजी है उसको डालना। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे, अगर हमें कम लगेगा क्वांटिटी हम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस डाल रही हूँ। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और थोड़े से मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ठीक है, मैंने ग्रीन चिली वाली यूज नहीं की है, और बस 1/4 टीस्पून के करीब ही मैं चिली फ्लेक्स इसमें डाल रही हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास फ्रोजन मटर है, ये कोई 1/2 कप के करीब है, वो इसमें डालेंगे। ठीक है, और ये मेरे पास छोटा सा एक अनियन था, मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो भी हम इसी में डाल देंगे। अब करना है मिक्स। आप चाहे अपने पसंद के कोई भी वेजिस डाल सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको बिल्कुल कम ही इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो बनना। अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब इसमें सॉल्ट डालना है, तो सॉल्ट हम कोई 1/2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे। मैं नहीं चाहती सॉल्ट जो है ज़्यादा हो जाए, इसलिए पहले ही थोड़ा सा कम डाल देंगे। अब चाहे तो इसमें आटा भी डाल सकते हैं, और मैदा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की चीज़ आप डाल दें। लेकिन मैं ना आज इसको ज़रा बनाना चाहती थी बेसन के साथ। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और पकौड़ों जैसा हम बैटर जो है वो रेडी करना है। सेमी थिक रखेंगे इसको, मिक्स करना है। फ्रेंड्स, इसमें बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन जो है 1 चम्मच के करीब और डाल दूंगी, क्योंकि हमें बाइंडिंग थोड़ी सी अच्छी सी रखनी है, तो इसलिए हम थोड़ा बेसन और डालेंगे। तो मैं टोटल बताऊं तो ये मैंने 3.5 चम्मच के हिसाब से बेसन जो है वो रेडी कर लिया है। देखिए, अच्छा सा अभी थिक सा रेडी हो गया है, और हमें थिक रखना है। मैंने आपको ऑलवेज बोलती हूँ ना, जितना थिक रखेंगे ऑयल भी कम लगेगा, और बनाने में जो टाइम है वो भी कम लगेगा। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बस हमें इसी तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, जब बनेगा तब तो फिर अच्छा लगेगा ही। तो फ्रेंड्स, आप इसमें जो मिक्स्ड हर्ब्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, वो डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास हैं सारी चीज़ें, लेकिन नेक्स्ट टाइम कुछ बनाएंगे ना फिर यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सिंपल ही रखने वाली हूँ। देखिए, मिक्स हो गया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अप्पे पैन ले लिया है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के वो डाल दिया है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं वो कैमरा क्यों नहीं ऑन हुआ, तो चलिए स्किप हो गया है। मैं जो सेकंड बैच रेडी करूंगी वो मैं आपको शो कर दूंगी। देखिए, हल्का हल्का ऑयल है, वो ऐसे हम साइड्स में लगा देंगे। तो अप्पे पैन में बनाना जो बहुत ईजी है, इसलिए आप अप्पे पैन यूज करें। अगर नहीं हो ना अप्पे पैन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तवा पे जहाँ फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, जैसे टिकिया बनाते हैं या जैसे पकौड़े बनाते हैं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप बना लें। वो चाहे तो जैसे बेसन का चीला बनाते हैं, चीला की तरह भी बना सकते हैं आराम के साथ। बस जरा सा सिक जाने देंगे एक तरफ से, और फिर इसकी साइड्स जो है हम वो चेंज करेंगे। मज़ा आ रहा ना फ्रेंड्स वीडियो देखने का, क्योंकि मुझे तो ये बड़े यम्मी लगते हैं और बस जल्दी से बन जाते हैं। अच्छा, ये जो मटर मैंने लिए थे ना, वो मैं सॉरी बताना भूल गई आपको कि वो फ्रोजन मटर लिए थे। तो अगर आपके पास कच्चे मटर हों तो उससे भी बन सकता है, लेकिन टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और अगर आप चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं, थोड़ा हाफ बॉईल कर लें उनको और जो मटर है उसको, और फिर बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम आराम के साथ ऐसे घुमा देंगे, और इस तरफ से भी पक जाने देंगे। हीट थोड़ी कम थी ना, इसलिए कलर नहीं आया, मैंने हीट अभी ज़्यादा कर दी है। अच्छा सा कलर जो है दोनों तरफ से हमें लाना है। आराम के साथ, और वो
बहुत इजी है, इसको ऐसे स्पून के साथ घुमाएंगे ना अपने आप घूम जाएगा ये। और ऐसे स्पून या फोर्क दूसरे हाथ में ले ले और इस तरीके से घुमा दें बस। जब कभी आपको इवनिंग में छोटी छोटी भूख लगे ना, या आफ्टरनून में कोई लंच नहीं करना चाहते हैं और जल्दी से कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ काम में बिजी हैं, तो बस ये रेसिपी मेरे ख्याल में तो परफेक्ट है ना। आपको कोई ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, आपको ज़्यादा कोई टेंशन है इसमें, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बन सकता है। और चाहे तो केले मटर के साथ भी बना दें या केले प्याज के साथ भी ये बन सकता है, लेकिन आप उसका नाम जो है कुछ और रख दें। मैंने इसका नाम क्या रखा आपको पता है? मैंने इसका नाम रखा पीस फ्रिटर्स, यानी कि मटर के पकौड़े। पकने में बस दो दो तीन तीन मिनट लगेंगे दोनों तरफ से, और आराम से हमें उसको पकने देना है। लेकिन बस चेंज कर देंगे तो साइड देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो आने लगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम अच्छे से इनको पकने देंगे दो दो तीन तीन मिनट दोनों तरफ से। देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से पलट लेंगे, अच्छा से गोल्डन ब्राउन कलर जो है दोनों तरफ से आ रहा है। बस एक मिनट इस तरफ से भी रहने देंगे। देखिए फ्रेंड्स रेडी हो गए हैं दोनों तरफ से, तो बस निकाल लेंगे अभी, दोनों रेडी हो जाएंगे उनको आराम से निकाल देंगे। तो कितना कम ऑयल लगता है ना इसमें, ऑयल भी ज्यादा नहीं लगता है। देखिए दोनों तरफ आप चेक कर लें अच्छे से दोनों तरफ से पक लें। देखने में बड़े प्यारे लग रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। चल ये निम निकाल दिया एक बैच हमने, अभी दूसरे बैच में डालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा ऑयल जो है वो हम दोबारा से बेस में ऑयल लगाना जरूरी है, नहीं तो वो बेसन जो है ना, वो आपका कोई भी बेसन हो या आटा हो कुछ भी हो, वो बैटर जो है चिपक जाता है उसके साथ। तो बेसन जो है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा चिपक जाता है। अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे ऐसे दो दो तीन तीन ड्रॉप्स। अब ये जो घोल हमने बनाया था देखिए इतना सा रह गया, एक बैच जो है रेडी हो गया, ये सेकंड बैच है, और इसको भी हम डालते हैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके इसको डालते हैं। देखिए अगेन साइड जो है चेंज कर लेंगे, दोबारा से इनकी साइड हम चेंज कर देते हैं। एक साइड तो अच्छे से पक गई है ना, जो रह गई है बस वही हम पक जाने हैं। ये रेडी हो गए हैं तो इसको मैं निकाल दूंगी। तो बस इनको एक मिनट के लिए अच्छे से पक जाने दें इस साइड। तो फ्रेंड्स ये भी रेडी हो गए हैं तो इनको भी निकाल। देखिए
रेडी हो गए हैं, तो चलिए सर्व करते हैं। यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म फ्रिटर्स जो है वो तैयार हो गए हैं और सर्व करने का टाइम आ गया है। देखिए मैंने इसको सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ और गर्मा गर्म चाय के साथ। तो फ्रेंड्स कैसे लगी फिर आपको आज की रेसिपी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि कितने इजी है ना और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मजे से बना सकते हैं और गेस्ट को खिलाएंगे ना, गेस्ट तो खुश हो जाएंगे मेरे ख्याल में। तो तोड़ के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, गर्म है अभी काफी लेकिन अंदर तक जो अच्छे से पक गए हैं। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं तो पकौड़ों की तरह या अप्पे पैन में। मुझे अप्पे पैन में बनाना एक्चुअली इजी लगता है तो मैंने इस तरीके से बनाया है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ हेल्दी डे, बाय बाय फ्रेंड्स।